ये शायद हमको स्नॉर्कलिंग के लिए लेके जा रहा है। सो वी हैव फाइनली रीच्ड ब्रोकन बीच। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारे बाली ट्रिप का तीसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं नूसा पेनिदा आइलैंड्स, जो कि एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और ये ट्रिप हमने ऑनलाइन बुक किया है, तो इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल्स और भी दूंगा, और हमने इसका कितना पे किया है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो चलो ट्रिप को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है हमारा आज का एक्सपीरियंस। और यार अगर बाली की बात करें तो यहाँ का ट्रैफिक एक बड़ा इशू है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ बहुत लिमिटेड है। इसी वजह से ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर स्कूटी या कार रेंट करते हैं। हमने भी यहाँ स्कूटी रेंट की हुई है। स्कूटी रेंट करना यहाँ काफ़ी इजी है, आपको जगह जगह पर रेंटल ऑप्शंस मिल जाएंगे। मेरी बाली सीरीज़ के पहले वीडियो में जो मैंने अपलोड किया था, मैंने उसमें डिटेल में बताया है कि हमने स्कूटी कैसे रेंट की और कितने में रेंट की। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो को ज़रूर से देख सकते हैं। तो हम यहाँ आए और हमको इन्होंने एक आईडी कार्ड दिया है और हमको रिटर्न टिकट दिया है। हमने इस टूर में स्नॉर्कलिंग पे बुक किया है, तो उन्होंने बताया कि वो आपको आइलैंड जाने के बाद वहाँ पे बात करना है स्नॉर्कलिंग के लिए, वो देखेंगे। और मैं इस टूर के प्राइस के बारे में बताना भूल गया था, तो इसका हमने पे किया है ऑलमोस्ट 6000 पर पर्सन। तो हम दो लोग हैं, तो कार्ड से करीब 11800 या 11600 ऐसा कुछ कटा था, तो तकरीबन 6000 पर पर्सन हमने इस टूर का पे किया है। तो उन्होंने जो हमको टिकट दिया था क्यूआर कोड, उसको हमने स्कैन करवा लिया और अभी जा रहे हैं फेरी की ओर। तो वहाँ पे कहीं पे फेरी है। वेलकम टू पेनिदा आइलैंड्स। और हम जैसे ही आए यहाँ पे, हमको एक बंदा आ गया पिक करने के लिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और हम अभी उन्हें कोई फॉलो करने लग रहे हैं। ये शायद हमको स्नॉर्कलिंग के लिए लेके जा रहा है, लेट्स सी क्या करवाते हैं अब हमको आगे, मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो जो हमको अभी इनिशियली जो गाइड मिला है, जो ड्राइवर भी है हमारा, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, तो हमने अभी उससे गूगल ट्रांसलेट करके इंडोनेशियन में पूछा हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसने बोला कि हम स्नॉर्कलिंग करने जा रहे हैं, और आई थिंक मानता बे करके जगह है, वहाँ पर जा रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं स्नॉर्कलिंग के लिए, और यहाँ से दो तीन जगह लेके जाएगा स्नॉर्कलिंग के लिए, तो देखते हैं कहाँ कहाँ लेके जाता है। और फिलहाल इसने अभी हमको ये सब दिया है, तो हमको यहाँ पे इन्होंने ये सब दिया है और चेक कर रहा है कि कौन सा साइज़ है। और अब मिलते हैं आपको सीधा स्नॉर्कलिंग के समय। अभी हम बस यहाँ से जाएंगे, शायद बोट लेकर जाएंगे, वहाँ पर बोट है काफ़ी सारी, और फिर वहाँ से हम चले जाएंगे स्नॉर्कलिंग के लिए। One hour later. तो अभी हम लोग लंच किए स्नॉर्कलिंग करने के बाद, और उसके बाद मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे, और मेरे आँख नाक में पानी भी चला गया, तो काफ़ी सॉल्टी वाटर था। तो मेक श्योर कि आप जो भी वो लोग इक्विपमेंट देते हैं उसको अच्छे से पहनो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर है। लेकिन यार अगर स्नॉर्कलिंग की बात करूँ तो बहुत ही टॉप नॉच एक्सपीरियंस था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब अगर आप बाली आ रहे हो तो आप ज़रूर ट्राई करो। लंच की बात करूँ तो लंच भी एक्चुअली बहुत टेस्टी था, आई वुड रेट इट समवेयर अराउंड 8.5 out of 10। चिकन था, एग्स था, चिकन बस थोड़ा सा हार्ड था लेकिन स्पाइसी था, इंडियंस के लिए तो काफ़ी अच्छा था। और उसके अलावा राइस था, नूडल्स थे, तो फूड वॉज रियली गुड। और अभी हम लोग को कहीं ले जा रहे हैं, शायद ब्रोकन बीच लेके जा रहा है, आई डोंट नो, देखते हैं जहाँ भी लेके जा रहा है, मैं आगे वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ।
सो वी हैव फाइनली रीच्ड ब्रोकन बीच और काफ़ी शानदार नज़ारा है, आप लोग भी देखो। तो गाइज़ ये था ब्रोकन बीच, काफ़ी सुंदर था। और अब हम दूसरे डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं और इसके आसपास का भी एरिया काफ़ी सुंदर है, आप इस तरफ देखोगे। जैसे अब हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं, देखते हैं वो क्या होता है। तो ये जो अभी आपने जगह देखा वो था क्लिंकिंग बीच, इस टूर का दूसरा डेस्टिनेशन था ये। और उसमें तो नीचे भी जा सकते हो अगर आप प्राइवेटली आ रहे हो, अगर आप ऐसे ही बुक करोगे तो ये लोग तो आपको वहाँ पर 5 मिनट ज़्यादा रहने नहीं देंगे, बोलेंगे जल्दी करो जल्दी करो, दूसरी जगह भी जाना है। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक होता है जब आप ऐसे टूर बुक करोगे। उसके अलावा आप देखोगे तो ये आइलैंड बहुत सुंदर है और अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है। मेक श्योर आप सनस्क्रीन वगैरह लेके आते हो और पानी का बॉटल आप लेके आते हो, भले खाली लिया और रिफिल कर लो। या तो यहाँ पर 10,000 IDR का 600 ml मिलता है, अभी मैंने जस्ट लिया है। तो ये है, बाकी धूप बहुत ज़्यादा है लेकिन अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है। और देखते हैं अभी थर्ड जगह कहाँ पे लेके जाता है, नहीं तो अभी तक मूसा पैनिदा काफ़ी अच्छा चल रहा है, ब्रोकन बीच और क्लिंकिंग बीच। तो गाइज एक्चुअली हमको लग रहा था कि अभी हम कहीं और जाएंगे, लेकिन आइटनरी में टोटल 4 प्लेस दिखा था। तो आपको याद होगा ब्रोकन बीच में मैंने एक और जगह दिखाया था, तो उसको उन्होंने 2 करके दिखाया है। तो वो एक्चुअली दे जस्ट टेक यू टू ब्रोकन बीच और उसके बगल में एक और है, उसको उसने आइटनरी में बताया कि एक और जगह ले जाएंगे। तो इधर आइटनरी में गामत बे है, वो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, और क्लिंकिंग बीच है, ये भी कवर कर दिया, एंजल बिलबोंग भी कर दिया ना। एंजल बिलबोंग वही है जो ब्रोकन बीच ब्रिज के बगल में था जो हमने दिखाया आपको ब्लॉग। ओके, हाँ तो आई थिंक सारा हो गया। इधर लिखा है 5 PM को बाई बोट लिखा है। हाँ अभी आई थिंक 4:40 हो रहा है, हमको पता ही नहीं था कि हम जा रहे हैं वापस। हाँ हमको लगा हम कहीं और जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे साथ कंफ्यूजन हो गया, पर ठीक है, अच्छा था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अब कहीं किसी और बीच मिलेगा, ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। पैसा भी इतना भरा है, आई थिंक पर पर्सन हमने 5,500 दिया है, मैं नीचे एग्जैक्ट अमाउंट लिख दूंगा जो मेरे कार्ड से कटा है। तो आई थिंक ठीक है, गाड़ी अच्छी बड़ी है, आई थिंक टोयोटा की गाड़ी है, और 5,500 इज़ लाइक ओके, दे सकते हो आप। और बाकी नूसा पैनिदा जगह तो अच्छा है, आप भले इस टूर से आओ या कैसे भी आओ, लेकिन इस जगह पे ज़रूर आओ, काफ़ी सुंदर है। खास करके क्लिंकिंग बीच था वो काफ़ी अच्छा था, और ब्रोकन बीच भी अच्छा था, और स्नॉर्कलिंग ज़रूर करना क्योंकि यहाँ के कोरल्स बहुत सुंदर है, फिश भी काफ़ी सारी है, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी सुंदर है। तो एक बाली आ रहे हो तो ये नूसा पैनिदा मस्ट विजिट प्लेस है। एक बार पूछ ही लेते हैं कि हम अब कहाँ जा रहे हैं, ड्राइवर को इंग्लिश उतना मालूम नहीं तो, इरिटेटेड भी है वो काफी। तो मैं अभी ट्रांसलेट कर रहा हूँ इंग्लिश टू इंडोनेशियन और पूछते हैं कि वेयर आर वी गोइंग नाउ इन इंडोनेशियन। हार्बर। तो हम वापस जा रहे हैं। तो यार वो आज का दिन हो गया ख़त्म, हम आ गए अपने हॉस्टल। हॉस्टल आने के बाद नहाया, चेंज किया, काफ़ी ज़्यादा नमक पानी होता है तो अच्छे से नहाना, और मेक श्योर कि आपके आँख में पानी ना जाए, बहुत ज़्यादा जलता है, मुझे तो जला, तो उसका ध्यान रखना। उसके अलावा बाकी सब ठीक है। और मैं भी फ़िलहाल जा रहा हूँ डिनर करने, यहाँ पे एक लोकल मार्केट भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ही छोटा सा मार्केट है, आपको कपड़े मिल जाएंगे, फ्रिज मैग्नेट्स मिल जाएंगे और छोटे मोटे बैग्स मिल जाएंगे, बस यही है। अच्छा सा मार्केट है, छोटा सा मार्केट है, मैं जहाँ पे रुका हूँ उसी के पास में। मैं आपको अपने हॉस्टल का भी लिंक दे दूँगा, हालांकि उतना कुछ खास नहीं हॉस्टल, ठीक है
पर वैसी कोई वाइब्स नहीं है, बाकी साफ़ सफाई है और क्योंकि उतनी भीड़ नहीं है, सब कुछ खाली रहता है बाथरूम वगैरह। बट मैं आपको बोलूँगा आप कुटा पे मत रुको, आप उबुद वगैरह साइड रुको, जहाँ भी आप जाना चाहते हो वो आपको बेटर होगा। और ये मार्केट में हूँ फिलहाल, मार्केट में मसाज जो है, कपड़े मिल जाएंगे आपको, जूते मिल जाएंगे। नाउ थैंक यू।